भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जहां एक और बजट को 3 गुना से ज़्यादा बढ़ाया है, वहीं पर बहुत सारी योजनाएं खिलाड़ियों के लिए चलाई है, जिसमें टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और अन्य खेलो इंडिया सेंटर्स, जो 1,000 सेंटर्स हम देश भर में खोल रहे हैं। इसी के चलते BSF, जिसका बहुत बड़ा योगदान भारत की रक्षा सुरक्षा में है, वहीं पर BSF ने आज यहाँ पर लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से शानदार हॉकी एस्ट्रोटर्फ का निर्माण किया है। ये भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा दिया गया पैसा, मैं DG साहब श्री नितिन अग्रवाल जी का और उनकी टीम का आभार प्रकट करता हूँ कि समय से पहले उन्होंने इसको तैयार किया है ताकि खिलाड़ियों को सुविधाएं मिल सके। BSF का बहुत बड़ा योगदान भारत की खेलों में भी है, जैसे उनका सुरक्षा के क्षेत्र में भी। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हमारे हुए जिन्होंने फौज में रहकर भी खेलों के प्रति बहुत बड़ा योगदान दिया, चाहे मिल्खा सिंह जी की बात करें, पान सिंह तोमर जी की बात करें, अन्य अजीतपाल जी से लेकर बाकी अन्य खिलाड़ियों की बात करें, इन सबका योगदान था। हॉकी की बात करूं तो भारत को 3 गोल्ड मेडल मेजर ध्यानचंद जी ने, तो बलबीर सिंह सीनियर जी ने 3 गोल्ड मेडल, तो एक समय ऐसा था कि भारत का स्वर्णिम दौर अगर मैं कहूँ हॉकी में था। और फिर एक बार 40 वर्षों के बाद अगर टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल भारत की टीम जीत पाई तो अपने आप में वो सुनहरा पल 40 वर्षों के बाद आया, क्योंकि मोदी सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने का कार्य किया और हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। मुझे पूर्ण विश्वास है जलंधर, जो खेलों की सामग्री के निर्माण के लिए भी जानी जाती है, खेलों के लिए भी जानी जाती है, और ये एक कैचमेंट एरिया है हॉकी के खिलाड़ियों का, चाहे संसारपुर की बात करें, जलंधर की बात करें, अन्य क्षेत्रों की बात करें, तो ये हॉकी टर्फ जो है ये न केवल BSF के खिलाड़ियों के बल्कि इनके माध्यम से उभरते हुए खिलाड़ियों को भी यहाँ पर लाभ मिल सके, वैसा हमारा प्रयास। देखिए, खेल एक राज्य का विषय है, प्रमुखता राज्यों को ही अपनी जिम्मेदारी निभानी। भारत सरकार तो अपनी ओर से अन्य योजनाएं चलाकर, जैसे मैंने कहा टॉप स्कीम, जहां पे रहने खाने और ट्रेनिंग का सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है देश और विदेश का, और खिलाड़ियों को 50,000 रुपया महीना जेब खर्च भी देती है, जो एलीट एथलीट है यानी कि 6 लाख रुपया साल का, और जो डेवलपमेंट एथलीट है उनका भी बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग सारा खर्चा भारत सरकार कहती है और 25,000 रुपया महीना जेब खर्च अलग से देती है यानी कि 3 लाख रुपया साल। इसी तरह से जो हमारे खेलो इंडिया अकेडमीज हैं उनमें जो खिलाड़ी खेलते हैं उनके बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग पे 5 लाख रुपया साल का खर्च और 1,20,000 रुपये जेब खर्च अलग से देती है। तो भारत सरकार की ओर से हजारों खिलाड़ियों को मदद भी की जाती है, प्रशिक्षित भी किया जाता है और आगे बढ़ने के अवसर भी मिल रहे हैं। अगर किसी राज्य में कोई कमी है तो राज्यों को उससे सुधार करना है। जी सर, हॉकी जो है नेशनल खेल है, बहुत सारे युवा प्लेयर हैं, लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते ना तो गांव के बच्चे बाहर आ पाते हैं। पंजाब सरकार ने कहा कि हम यहाँ अपने पैरों पर वापस ले। देखिए, मैं पंजाब एक ऐसी क्षेत्र था, मैं तो यहाँ जलंधर में मेरा पढ़ाई भी हुई, मैं खेला भी, मैं इतना ही कहूँगा कि पंजाब को जाना जाता था खेलों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, खेल सामग्री के निर्माण के लिए। अब पंजाब का नाम जो गलत चीज़ों के साथ जुड़ना शुरू हुआ है वो तो एक चिंता का विषय है। सरकारों को जागना भी चाहिए और कदम भी उठाने चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि जो खेल के विस्तार के लिए और प्रमोशन के लिए जो पैसा खर्च होना चाहिए उस तरह से वो प्रोग्राम ना नजर आए तो निश्चित तौर पर चिंता की बात है। हमारे साथ लगते सूबे आगे निकलते चले गए। कारण क्या है? उन्होंने सुविधाएं ज़्यादा दी, चाहे वो स्टेडियम्स की बात हो, नौकरियों की बात हो, या फिर टूर्नामेंट और ट्रेनिंग की बात हो। मुझे लगता है पंजाब में भी एक मौका है और अच्छा करना चाहिए। बीजेपी की ताकत दिखती है कि बाकी किसी में दम नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का सामना करते, और जो इकट्ठी हुई है उनका अगर आप ओवरऑल सेटअप देखेंगे तो लालू जी जो जमीन के बदले जॉब, ममता जी नकद के बदले नौकरी,
नीतीश कुमार जी जो 1750 करोड़ रुपए का पुल एक बार नहीं दो बार ढह गया, भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित हुए, उनके अपने सांसद के बेटे को हजारों करोड़ रुपए का एम्बुलेंस का ठेका देके घोटाला जो हुआ है वो देश के सामने आया है। एक किसी नेता ने 15 पार्टियों की एक दूसरे से नहीं पूछा भाई तेरे यहाँ पे घोटाला है तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार कैसे दोगे। ये तो हालत है इन सबकी, भ्रष्टाचारी चेहरे एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं और पूरी बैठक में से कुछ और नहीं निकल कर आया, एक ही बात निकल कर आई, मम्मी नाराज है, राहुल जी शादी कर ले। सॉरी जो किसाना का आरडीए फंड रुका हुआ है केंद्र सरकार के राज्य का विषय, राज्य का देखिए मुझे सिर्फ इतना कहना है ये राज्य के विषय, अगर राज्य की सरकार किसी बात पे नाकाम है तो उसमें उनको कदम उठाने चाहिए, राज्य की सरकारों को करने चाहिए। बहुत है, चलिए सब सरकारें चलती रहती हैं, इसलिए स्मार्ट सिटी राज्य की सरकार को पैसे मिले उसमें से काम करने चाहिए। आपको ये भी उठाना चाहिए कि राज्य की सरकार ने जो करोड़ों रुपए सड़कों के लिए मिले थे वो कहाँ गए, सड़कों की हालत आपके सामने पंजाब की, आप मुझे लगता है जरूर चलाते होंगे, पूछते होंगे ना मंत्री से, बिल्कुल पूछिए सवाल। हॉकी नेशनल स्पोर्ट है लेकिन फिर भी क्रिकेट दे तुलना की तो जावे तो हॉकी का क्रेज है ना नहीं है। आप कितने हॉकी के मैच देखते हैं? लेकिन सर क्रेज ज्यादा क्रिकेट है, इस बारे सरकार की कर रही है। नहीं सरकार नहीं, आपको ही करना है, हम तो सबके लिए कर रहे हैं।